Hello friends, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर तो जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में लिखा है अगर उसने नौकरी स्वीकार की होती तो उसे ज्यादा पैसे मिलते अब ये सेंटेंस अगर से शुरू हो रहा है दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस इन so, सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं क्योंकि ये किसी कंडीशन पर निर्भर होते हैं और ये जो वाला सेंटेंस आज मैंने लिया है ये थर्ड कंडीशनल वाले सेंटेंसेस हैं ये एक रूल को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या रूल है अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम शुरू करेंगे सेंटेंस इफ प्लस पास परफेक्ट और उसमें जोड़ेंगे हम मॉडल वर्ब्स वुड कुड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और उसके बाद लास्ट में आएगा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हम एग्जांपल से समझते हैं ये देखिए रूल पढ़ लीजिए एक बार दिस सेंटेंस यूजेस थर्ड कंडीशनल टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस वो एक्सप्रेस कर रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब इमेजिनरी सिचुएशन जो कि पास्ट में हुई है वो बोल रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो वेयर द स्पीकर इज सेइंग दैट ही डिड नॉट टेक द जॉब एंड मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी इफ ही हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर ही वुड हैव अर्नड मोर मनी अब इसको एक बार समझते हैं रूल के साथ इफ पास परफेक्ट तो पास परफेक्ट यहां पे वर्ब देख लेते हैं कहां पे है स्वीकार की होती तो यह है एक्सेप्टेड इफ he had. तो पास परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर फिर कॉमा आएगा ही वुड अब यहां हैव और फिर दूसरा वर्ब कहा है पैसे मिलते तो अर्न ही वुड हैव अर्न मोर मनी नेक्स्ट है अगर मेरी फ्लाइट न छूटी होती तो मैं अभी मुंबई में होता अभी ये सेंटेंस भी अगर से शुरू हो रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस है अगर मेरी फ्लाइट न छूटी होती इफ आई लगाइए, तो मैं अभी मुंबई में होता आई वुड इन मुंबई बाय नाउ अब देखिए यहाँ पे बी जो है वो वाला है पास पार्टिसिपल यूज किया है मुंबई बाय नाउ अगर हम ज्यादा मेहनत करते तो हम परीक्षा में पास हो जाते तो इसको कन्वर्ट करते हैं अभी इंग्लिश में इफ देखिए इफ अ पास परफेक्ट यहां पर वर्ब ढूंढिए मेहनत करते ठीक है तो इफ वी हैड स्टडीड तो स्टडी का क्या हो गया स्टडीड हार्डर We would have passed the exam. तो यहाँ पे second वाले में पास हो जाते ये वर्ब है तो इसलिए वी वुड the एग्जाम अब एक सेंटेंस आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए अगर मैं दुर्घटना के बारे में जानता तो मैं अस्पताल चला जाता मैंने यहाँ पे वर्ब्स आपके लिए पहले से ही ट्रांसलेट करके रखे हैं जानता नो चला जाता गो तो अब आप इस रूल को फॉलो करके इसका आंसर बना के और कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग